हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं। आवाज गिल मेरा बेटा है, माँ ऊंचे ऊंचे रोने लग गई, ऐसा करके कुछ टाइटल है। तो माँ खुद पर काबू ना कर सकी। देखते हैं इस वीडियो को क्या है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। इस तरह ये बोल के नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। इधर सिविल वॉर हो जाएगी और सिविल वॉर हो जाएगी तो बस गया बोल के। इलेक्शंस ने जिस तरह उसको गोलियां मार देती, मेरी इस तक पहुंचो तो मैं इनको चीर फाड़ के लटका दूं। अल्लाह कहता है किसी का पर्दा उससे क्या जलील करो। इसका ये कैसा इस्लामी मुल्क है, इसमें कैसी हमें आजादी है? हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इस्लाम नहीं। वालेकुम सलाम। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ा हुआ है, डॉक्टर शहबाज गिल के लिए बाहर निकली हैं, क्या कहना चाहती हैं? जो तो मैं ये कह रही हूँ कि शहबाज गिल के साथ जो इन्होंने किया है वो किसी महजब मुल्क में उसके महजब लोग ये कर सकते हैं? इन्होंने अखीर कर दिया है। ऐसे तो यजीद ने नहीं किया था इमाम हुसैन के साथ और इबरत का निशान बन गया। हर जगह बदनाम है कि यजीद यजीद फिरौन फिरौन। ये तो फिरौन और यजीद को पीछे छोड़ गए हैं। इन्होंने जो जो उसको नंगा करके उल्टा करके लटकाया है, सीधा लटकाया है, इन्होंने उस पर रूलर फिरवाया है और एक जो और जबान में कहते हैं मंजी पाना, पुलिस की जबान में इतना मारना, वो मारा है। और उसके साथ इन्होंने उसका उसके साथ बुरे फेल किए हैं। आया ये कौम समूद है, कौम आद है। अगर मरियम डड्डू चार्जर के साथ कोई ऐसे करे, अगर मरियम नवाज शरीफ के साथ कोई ऐसे करे, अगर इनके कोई लड़की या लड़के उठा ले फिर इनका क्या बनेगा? वो किसी माँ का बच्चा नहीं है, किसी बहन भाई है, वो मेरे बच्चे की तरह है। मैं उसके लिए लड़ूंगी। मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में अगर 2-4 करोड़ों को लोगों को मरना पड़ जाए इस पे जंग करके, मैं सबसे पहले मरूंगी। खुदा की कसम है, अगर मेरे बाद मेरे 18-20 करोड़ आवाम इज्जत की जिंदगी जी लें तो हम खुश हैं। ये कि हमारे और इस्लामाबाद पुलिस कहती है हम नहीं मार रहे, कोई और मरवा रहा है। नून लीग वाले पीपी वाले कहते हैं हम नहीं मार रहे, कोई और मरवा रहा है। तो इसका मकसद कोई कौन मरवा रहा है फिर? वो कौन है वो सामने आए। और ये भी हो सकता है कि पब्लिक को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश हो ताकि यहाँ पे झगड़ा हो जाए और मुल्क टूट जाए, जो लोग चाहते हैं, जो ये हैं ही मुल्क के दुश्मन है बेशरम। और ARY के साथ देखे इन्होंने क्या किया, ARY को बंद कर दिया और जितने जर्नलिस्ट से उठा लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, डॉक्टर शहबाज गिल को आपने वो तस्वीर वीडियो देखी होगी जब कोर्ट में लेके जाते हैं, उसके बाद उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। अगर हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो पिछले दरवाजे से लेके आते हैं, मिलने नहीं दिया गया। उसका ऑक्सीजन उतार लिया, उसको वहाँ ले लेके पीछे और जगह जाते रहे हैं, 10 जगह पे उसको लेके गए हैं। उसकी गंदी तरीन ज्यादती की वीडियो आ गई है इमरान खान के पास, कुछ लोगों ने वायरल भी की है, 1.5 सेकंड की है और 1.5 सेकंड की है, आपको नजर आ जाएगी एक आध दिन में, मैंने देखी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं इतना रोई हूँ। अल्लाह कहता है किसी का पर्दा उससे क्या जलील करो। इसका ये कैसा इस्लामी मुल्क है, इसमें कैसी हमें आजादी है? हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा था हम इंग्लैंड के गुलाम रहते, एक के गुलाम थे, हमें 400 का गुलाम बना दिया। और क्या था, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दी क्या, नवाज शरीफ ने सिर्फ इमरान खान के ऊपर कोई उसको मार पीट के कोई गलत बात लिखवा ले और उससे फिर अपनी मर्जी की उससे फिर इमरान खान को पकड़े और उसको नाअहल करें ताकि इलेक्शन के में इनकी जगह साफ हो। आपने कहा बेशरम और और झूठे लोग। आपने कहा आपने वीडियो देखी उनकी जो उनके साथ किया गया, देखी तो क्या जज्बात है आपके? मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को आप कहती हैं कि वो मेरे बेटे जैसे और बेटे के साथ अगर ऐसी तो माँ की क्या, मैं उसको गोलियां मार देती, मेरी इस तक पहुँचो तो मैं इनको चीर फाड़ के लटका दूं। कौन कुत्ते के बच्चे हैं, किसी माँ के औलाद? ये हलाल के नहीं हो सकते, अपने बाप के नहीं हो सकते। कोई हलाल का बच्चा इतना नहीं गिर सकता।
अभी कप्तान आएंगे इंशाल्लाह वो आपको अपना देखें जी लोगों के जज्बात कोई जज्बाती हो जाता है। माँ जी रोने लग गई हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे जैसा शहबाज गिल और मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बेटे के साथ ऐसा। ये जुल्म है, इस तरह ये बोल के नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। इधर सिविल वार हो जाएगी और सिविल वार हो जाएगी तो बस गया मुल्क। शहबाज गिल साहब को पेश किया गया पहले इसीलिए बांग्लादेश बना है, उनका कसूर नहीं है। ये भुट्टो की बेईमानी थी, 3 दिन ये लेट गया बीमार होके और पोलैंड की करारदाद फाड़ दी और लोगों को कहा जो उधर जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन था और वो अब कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे 3 रुपए उनका 1 टका है। शहबाज गिल के लिए क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ हौसला पकड़े इंशाल्लाह ताला। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। हम उसके साथ हैं, हम अपने खून बहा देंगे, ये सड़कें लाल कर देंगे खुदा की कसम, सब कुछ जला देंगे, लड़के कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान कोई बात, इमरान खान को कुछ नहीं होना, उसकी बहुत लंबी जिंदगी है, देख लेना वो आप लोगों के पास 8-10 साल हुकूमत करेगा, लिख लो। मैं 18 घंटे उसके लिए इबादत करती हूँ, 18 घंटे जो वज़ाइफ मैं उसके लिए पढ़ती हूँ कोई किसी को आते भी नहीं होंगे और वह पढ़ भी नहीं सकता हो, उसको कुछ नहीं होगा। इमरान खान के लिए दुआएं हैं, इमरान खान के लिए दुआएं करती हूं जी, मैं करती हूं, मेरी जान भी उसको लग जाए। उसके लिए हमें अपना माल लगाना पड़ा, वक्त लगाना पड़ा, हम देंगे। जो हुकूमत में है ये सब मरियम औरंगजेब, ये जितने भी डड्डू चार्जर कहते हैं कि शहबाज गिल ड्रामे कर बकवास कर रहे, अल्लाह करे हम इससे ऐसे ड्रामे कराएंगे। वक्त आने दो, जब पकड़ी गई तो मैं कहूंगी वही सब कुछ करो जो इसने शहबाज गिल के साथ हुआ, फिर हम कहेंगे अब ये ड्रामे कर रही है, ये है ही डड्डू चार्जर बकवास कर रही है। हाथ आने दो तुम हमारे, फिर देखो सही। बहुत शुक्रिया, बनेगा इसकी डंडी वक्फ करेंगे और पक्की वक्फ करेंगे, इसकी डंडी वक्फ और पक्की वक्फ करेंगे, आने दो हाथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ उस्मान भाई के लाहौर में जो मरियम कहती थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये पीटीएम वाले नारे लगाते थे। और मैं जनाब ये भी कहना चाहती हूँ यार सादक असेंबली हाल में खड़ा होकर ये कहता था कि जनरल बाजवा की टांगे कांप रही थी, उसको पकड़े उसको सजा दें। और जो बगोला बार बैठा हुआ है नवाज शरीफ चोर डाकू, वो कहता था जनरल फैज के बारे में और जनरल बाजवा के बारे में क्या कहता था, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? और इन चोरों और डाकुओं को पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं करेगी। और मैं न्यूट्रल को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम 80% इमरान खान के साथ खड़ी है। ये कैसे हो सकता है कि शहबाज गिल के साथ आपने जुल्म शुरू किया हुआ है और आपने ARY के साथ जुल्म शुरू किया हुआ है? मैं कल पिम्स अस्पताल में मौजूद था, उसको मिलने नहीं दिया गया और पाकिस्तान की आवाम वहाँ खड़ी थे, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जो दिल्ली के वजीर आजम है वो वहाँ खड़े थे। इस चोर के ऊपर 8 अरब का केस है, इसके बेटे के ऊपर 16 अरब का केस है, ये कैसे हो सकता है कि हम इनको डिफेंड करेंगे? इन चोरों और डाकुओं को कोई डिफेंड नहीं करेगा। मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर 16 अरब का केस है, इसको पकड़ें और इसको सजा दें। और न्यूट्रल से कहना चाहता हूँ कि उनको पकड़ें जिन्होंने आपके खिलाफ बकवास की है, जो नारे लगाते हैं, ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ जहाँ डॉक्टर शहबाज गिल के लिए लोग बाहर निकले हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या जज्बात हैं उनके। तो ये थी माँ जी आज जो कह रही थी कि वो मेरा बेटा है और शहबाज गिल के लिए इतने इमोशंस पब्लिक को। मैं तो ये कह रहा हूँ यार अवेयरनेस कितनी ज़्यादा हो रखी है, हर चीज़ समझती है, छोटी छोटी बात जैसे कि लास्ट में इन भाई साहब ने बोली कि कितने अरब का किस पे केस बनता है, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा यार, उसका जवाब दो, क्योंकि वो बैठ गए सीट पे, है ना। मुझे तो यही लगता है, इसी स्पीच की बात करो, मतलब जो भी इन्होंने बोला माँ जी ने, बहुत ही तगड़ा इमोशनल चीज़ें बोली इसके अंदर कि कुछ नहीं होगा, मैं इबादत कर रही हूँ, इमरान खान को तो कुछ नहीं होगा, 18 घंटे इबादत करती हूँ उसके लिए। तो ऐसी सिर्फ एक है, ये हमारे सामने बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, दुआएं के साथ साथ इबादत और बहुत कुछ कर रहे होंगे। मैडम इमोशनल हो गई, इन्होंने एक वीडियो की बात की इसके अंदर, मुझे नहीं पता उसमें क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत गंदा बता रही थी, बहुत बुरा बता रही थी, 2-2, 3-3 सेकंड की क्लिप्स हैं, शायद बाद में पता चले, लेकिन जो भी है बहुत बुरी चीज़ है और ऐसा बता रही थी कि रूह कांप जाए किसी की अगर वो देख ले, तो इस तरीके से बता रही थी और बताते बताते बोलते बोलते इमोशनल हो गई। मतलब एक आम पब्लिक में से एक इतनी उम्र की
लेडी निकल के आई है बाहर, तो कुछ तो मायने रखती होंगी ये सारी चीज़ें, किसी के हक़ के लिए वो निकल कर आई है। तो ये चीज़ें हो रही हैं एंड सामने भी आ रही है। बाकी बहुत ही इमोशनल वीडियो था यार। कुछ इलेक्शंस का भी सुना है, इलेक्शंस हो रहे थे कराची में, तो उसका भी शायद रिज़ल्ट आ जाएगा या आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।